कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर मुल्क को कर्ज में गर्क करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 बरस में उसकी इक्तिसादी बदनज़मी की वजह से शहरियों पर कर्ज का बोझ 57% बढ़कर 90 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। कांग्रेस मीडिया सेल सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगल के रोज पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजारत खजाना के आदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2014 के बाद 30,28,945 करोड़ रुपए का इजाफी कर्ज लेकर मुल्क के अवाम को कर्ज में डुबोया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2014 तक मुल्क पर 53,11,081 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन दिसम्बर 2018 तक ये कर्ज 57% बढ़कर 83,40,026 करोड़ रुपए हो गया है। 5 साल में मोदी हुकूमत ने जितना कर्ज लिया है पहले किसी हुकूमत ने उतना कर्ज नहीं लिया। इस कर्ज पर सूद की भी बड़ी रकम अदा करनी होगी और इस तरह से मुल्क को कंगाल बना दिया गया है। तर्जुमान का कहना है कि दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक के कर्ज का तफसीली आदाद शुमार नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी रिसर्च टीम ने वजारत खजाना के जरिए छुपाए गए आदाद शुमार का पता लगा लिया है और 3 माह की मुदत में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस तरह मोदी हुकूमत ने 5 साल के दौरान मुल्क को 90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जदार बनाया है। सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है सरकारी महकमों में इस मुदत में ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेने की दौड़ शुरू हो गयी थी। सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस दौरान 1,67,399 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। पहले उस इदारे ने कभी इतना कर्ज नहीं लिया था। इसी तरह से इस हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की कंपनी सेल गेल HAL वगैरह को भी कर्ज में डुबोया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान जितना इजाफी कर्ज लिया है उसकी वजह से मुल्क के 130 करोड़ शहरी भी कर्ज के जबरदस्त बोझ तले दब गए हैं। अब मुल्क का हर शहरी औसतन 23,300 रुपये से ज्यादा का मखरूज हो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस हुकूमत ने एक तरह से मुल्क के हर शहरी को कर्ज में डुबोया है और दूसरी तरफ अपने चुनिंदा सनतकार दोस्तों के 5,50,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। इस मुदत में बैंकों में NPA बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकारी कंपनियों को कर्ज के मुंह में ढकेल कर एक साजिश के तहत बंद किया जा रहा है। And they tell us that there would be an extra debt of 7,16,700 crores that this government would have taken up to March 2019, taking India's debt to 90,56,000 crore. This is a story of cross economic mismanagement and burdening the entire country. दोस्तों, एक तरफ तो देशवासियों को कर्ज के बोझ में डुबोया जा रहा है और दूसरी ओर चुनिंदा उद्योगपति मित्रों का 5,50,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिया गया। बैंकों का एनपीए बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया है। सरकारी कंपनियों को कर्ज के मुंह में धकेल कर बंद करने की कगार पर या उन्हें डुबोने की कगार पर पहुंचाया जा रहा है। अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार उसके इतिहास में 5 साल में 1,67,400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। इट्स शॉकिंग। अकेले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 साल में पहली बार उसके गठन के बाद 1,67,400 करोड़ का कर्ज उठाया है। उसमें से 61,000 करोड़ केवल इस चालू साल में उठाया गया है। BSNL, MTNL, पवन हंस, इंडिया पोस्ट, ये सब बंद होने की कगार पर हैं, तालाबंदी की कगार पर हैं। तनख्वाह देने के लायक वहां पैसा बचा नहीं। यहां तक कि जो नवरत्न कंपनियां हैं जैसे ONGC है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आज वो भी कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार ने 5 साल में पेट्रोल डीजल से टैक्स लगाकर अकेले 13 लाख करोड़ रुपया कमाया,
और दूसरी तरफ 30 लाख जिसका मैंने डेटा दिया और 7 लाख जो वो और कर्ज ले लेंगे जो डेटा आएगा, 37 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्ज देश के ऊपर डालकर देश को कर्ज के कूचक्कर में उलझा दिया है। इसीलिए पूरा देश पुकार पुकार कर कह रहा है कि सूट बूट की सरकार और देश को बनाया कर्जदार। एनी क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू आस्क।